हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत दर्शन 09। आज के हमारे इस ब्लॉग में हम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में स्थित चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को दिखाएंगे। इस पार्क में एंट्री लेने के लिए फर्स्टली हमें टिकट घर से 5 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी। आप यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे गार्ड बैठे रहते हैं। यह पार्क द ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर आज़ाद चंद्रशेखर जी को डेडिकेटेड है। हालांकि पहले इसका नाम अल्फ्रेड पार्क था। नॉर्मली आजकल के यूथ इसे कंपनी गार्डन कह के भी बुलाते हैं। इसका नाम अल्फ्रेड पार्क से चंद्रशेखर आज़ाद पार्क क्यों पड़ा, इसके पीछे एक सच्ची घटना है। ये वह स्थल है जहाँ भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी उर्फ पंडित जी विदेशियों द्वारा भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बनाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भारत को स्वतंत्र कराने हेतु अपने मित्र सुखदेव राज से विचार विमर्श कर रहे थे, तभी अचानक से अंग्रेजों द्वारा भारी संख्या में भेजे हुए पुलिस आ गए। दोनों ओर से भयंकर गोलीबारी हुई। गोलीबारी के दौरान जब चंद्रशेखर आज़ाद जी के बंदूक में अंतिम के एक गोली बची तो उन्होंने खुद को अपने बंदूक से गोली मारना पसंद किया, ना कि अंग्रेजों के बंदूक से। दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन हुआ, जिससे देश में बहुत बड़ी क्रांति आ गई। हाँ, फरवरी माह के अंतिम दिनों में फ्लावर एग्जीबिशन लगता है, तरह तरह के फूलों की प्रदर्शनी लगाई जाती है एवं सब्जियों की। इसे देखने के लिए लोग बाहर से एवं प्रयागराजवासी जरूर जाते हैं। आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।